तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट टैब में सभी आपको कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक भी चीज़ को मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी बातों को बताने वाला हूँ कि आप गवर्नमेंट टैब में सभी आपको कैसे चला सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टैबलेट से जुड़ी सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आपको सिंपली दीक्षा आपको ओपन कर लेना, और दीक्षा आपको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको साइड में ऊपर तीन लाइनें दिख रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और माय ग्रुप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, और अब आपको लोग क्लिक करना है लॉगिन विद सिस्टम। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको थोड़ी देर वेट करना है और आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको एक मिनट वेट करना है और आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर में मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको नीचे से स्क्रॉल पर जाना है और यहाँ पर NIC लिखा दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आपको कोने में जो तीन लाइनें दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है और फेसबुक पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं ये थोड़ी देर वेट लेगा और आपका नया पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। आप सोच रहे हो कि मैं वही पहला बता रहा हूँ, लेकिन ये वही नहीं है, ये नया स्टेप है। आप इसको आगे तक देखना, लास्ट में मैं सभी आपको बताऊँगा कि आप इसमें गूगल क्रोम यहाँ पर कैसे चला सकते हैं, यूट्यूब कैसे चला सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सिंपल फेसबुक पर यहाँ पर ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सर्च कर देना है गूगल क्रोम, और ये सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने। अब आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो गूगल क्रोम लिखा दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं गूगल क्रोम का ऑफिशियल चैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे लिंक लिखा दिख रहा होगा www.google.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको गूगल लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गूगल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर गूगल ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर सर्च कर देना है अंकित मोर गेमिंग। और जैसे यहाँ पर ये अंकित मोर गेमिंग लिख के टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको पहले पर ही क्लिक कर देना है। और अब आपको ऊपर सर्च का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको आप कुछ भी सर्च करके अपना चला सकते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया है हरियाणवी सॉन्ग, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सभी हरियाणवी सॉन्ग्स आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको इनमें से कोई भी एक सॉन्ग चला के दिखाता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसमें मैं आपको सभी प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉन्ग यहाँ पर चलने लग गया है। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ज़्यादा वर्किंग है। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।